अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डार्क चॉकलेट कुकीज़। तो इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरीके से बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आप घर पर बड़े आराम से बना सकते हो ये कुकीज़, ईजी तरीके से मैं आपको ये बताऊँगी आज, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले ली हूँ। इसमें मैं तकरीबन ऐड करूँगी 3 टीस्पून भर कर बटर। थोड़ा मेल्टेड बटर आपको ऐड करना है, लाइक रूम टेम्परेचर पे रख देना, फिर इसे ऐड करना, ठीक है। 3 टीस्पून बटर डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर कर जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर है ये। ये ब्राउन वाला ही लेना है आपको, ये अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। जैगरी पाउडर ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून जितना, इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। अब इन दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे स्पून से, जैगरी और बटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2-3 मिनट तक के आपको ये प्रोसेस करना है ताकि जो गुड़ है जैगरी वो अच्छे से बटर में मिक्स हो जाए। देखिए हो गया ये। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप भर कर मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, ठीक है। मैदे का आटा डाल के फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिला लेना है ताकि जो गुड़ और बटर है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। अच्छे से आपको स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है। अब जैसे ही ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, स्पून से भी हम इसे निकाल लेंगे जो लग चुका था स्पून में। अब हाथ से मैं थोड़ा सा इसे फिर से मिक्स करूँगी 2 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि जो गुड़ और बटर है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको मसल मसल के इसको मिक्स करना है अच्छे से। ये प्रोसेस 2 मिनट तक के आपको करना है, अच्छे से प्रोसेस रोकना नहीं है, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे हम, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या डालना है इसके बाद। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया तकरीबन 2 पिंच बेकिंग सोडा, और अब मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टीस्पून जितना गरम दूध, वार्म मिल्क, ठीक है। दूध आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है क्योंकि ये इसकी कंसिस्टेंसी एक आटे की तरह होना चाहिए, जैसे हम आटा गूंथते हैं डो, उस तरीके का बनना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसे मिक्स कीजिएगा ताकि ज़्यादा दूध ना डले और आटा हमारा जो बनेगा वो नरम ना हो जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से एक बार आप अच्छे से इसे मिला लीजिए, उसके बाद आप हाथ से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। स्पून से मैं आपको मिलाने इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये अच्छे से हर तरफ मिक्स हो जाए। 30 सेकेंड्स तक के आपको ये करना है, उसके बाद आप हाथ से कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप ये कितने अच्छे से मिक्स रहा। अच्छा, और मैंने इसमें 1 कप मैदा डाली हूँ। आप चाहो तो आप 1 कप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट को बारीक बारीक क्रश कर लिया था नाइफ से, वो मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 4 क्यूब्स को मैंने क्रश किया था, डार्क चॉकलेट लिया है मैंने। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये आटे की तरह प्रॉपर गून रहा है, अच्छे से मिला लेंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा कुकीज़ का बैटर जो बोलेंगे। 30 सेकेंड फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि बटर छूटे और ये जो हमारा चॉकलेट डार्क चॉकलेट है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ये हो चुका है तैयार। अब हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। बेकिंग ट्रे पे हम बेकिंग शीट डाल देंगे या फिर आप बटर पेपर भी डाल सकते हो उस पर। देखिए ये मैं छोटे छोटे पोर्शंस में लड्डू बनाकर मैंने इसे प्लेस किया यहाँ, और फिर मैंने हाथ से इसे प्रेस कर दिया, कुकी का शेप दे दिया। आपको इसी तरीके से करना है। इसे बिल्कुल हल्के हाथ से आप प्रेस कीजिएगा, ठीक है, कुकी का शेप देकर। अब हमें इसे बेक करना है। मैंने ट्रे अंदर डाल दिया अवन में, प्री हीट किया था 10 मिनट और इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 15 मिनट। कुकीज़ हमारे रेडी हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये गर्म है तो आपको थोड़ा इसे 5 मिनट ठंडा होने देना, उसके बाद आप कुकीज़ उठाइए और चेक कीजिए ब्रेक करके। क्रिस्पी कुकीज़ बनते हैं, आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भी डाल के रख सकते हो। गेस्ट आए या कोई मेहमान आए टी टाइम पे आप ये निकाल के सर्व कर सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो टिफ़िन में। देखिए कितना अमेजिंग कुकी तैयार हो गया ये। और मैदे के आटे की जगह आप इसमें गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हो अगर आप मैदा अवॉइड करना चाहो तो, ठीक है।
तो ये कुकी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके की अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आपके पास लाती रहूँगी, आपसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।